शिवा सम्राट का नाम सोना के मुंह से सुनकर हैरान हो गए। उन्हें सोना से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। सोना को एहसास हुआ उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी में उनसे सम्राट के बारे में पूछ लिया है। वो नर्वस हो गई। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, पापा जी, हमारा मतलब है, हमें इतना वक्त हो गया इस घर में रहते, हमने अब तक आपके दोनों बेटों को साथ में कभी नहीं देखा। हमने इनसे पूछा भी कि बात क्या है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर उनके बीच क्या परेशानी है। कहते हुए वो शिवा की आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी ताकि शिवा को उसकी बातों पर यकीन हो और वो अच्छे से अपने बहाने पर टिकी रहे। पर अगले ही पल उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया जब शिवा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता उन दोनों के बीच क्या परेशानी है और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। बल्कि मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम अंश और सम्राट के बीच में मत ही आओ। ये कहते हुए वो सोना को अपनी गहरी आंखों से देख रहे थे। सोना उनकी नजरों तले बहुत ही घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो आगे बात को कैसे बढ़ाए। सोना बोली, सोच सोना, अगर तुम्हें सम्राट की कमजोरी के बारे में पता चला तो तेरे लिए उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन पापा जी ने तो कह दिया उन्हें कुछ भी नहीं पता, अब हम क्या करें। शिवा उसे खुद से ही बात करते देख रहा था। उसने अपना गला साफ किया ताकि सोना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ सके। उसने कहा, बहू, क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है? अगर नहीं तो तुम अब जा सकती हो, मुझे थोड़ा आराम करना है। और उसने अपना चश्मा साइड में रखा। शिवा से भी कोई मदद ना पाकर सोना उदास हो गई। वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवा दरवाजे को अपनी गहरी आंखों से देखने लगी। सोना को जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला, इसलिए वो बहुत उदास थी। उसे सम्राट की कमजोरी के बारे में जानना था क्योंकि वो उसके साथ वही खेल खेलना चाहती थी जो सम्राट ने उसके साथ खेला था आदित्य का इस्तेमाल करके। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। शाम 6 बजे सोना कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सोना ये सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो बेड से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला और उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो दरवाजे से सर बाहर करके इधर उधर देखने लगी लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसने कहा, ये किसने किया? वो अंदर जाने को थी कि तभी उसके कानों में सिया जिया की धीमी हंसी की आवाज आई। सोना मुस्कुराते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ गई। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ओ तो हमारे साथ हाइड एंड सीक का खेल खेला जा रहा है। और वो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ गई। सिया और जिया कॉरिडोर में रखे बड़े से गमले के पीछे छुपकर सोना के बाहर आने का वेट कर रही थी। सोना उनके पास पहुंची ही थी कि सिया और जिया वहां से भागते हुए बोली, मामी हमें पकड़कर दिखाओ। सोना उनके पीछे भागते हुए बोली, रुको, हम अभी तुम दोनों को पकड़कर बताते हैं। सिया और जिया खिलखिलाते हुए भागकर नीचे आ गई। वो तीनों लिविंग रूम में पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। कभी सोना उनके पीछे भागती तो कभी सिया और जिया उसके पीछे भागती। सोना ने सिया को पकड़ा और उसे गोल घुमाते हुए कहा, पकड़ लिया। और सिया खिलखिलाकर हंसने लगी। जिया ने कहा, मामी मुझे भी राउंड राउंड घूमना है। वे तीनों फिर से पूरे घर में खेलने लगी। अभी सोना उनके पीछे भाग ही रही थी कि सामने से आ रहे किसी इंसान से टकरा गई। सामने वाले ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे सीधा कर दिया। सोना ने उस इंसान को देखा और उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि करण सिंह था। करण उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। सोना ने उसके हाथ से अपनी बाजू छुड़ाई और दूर होकर खड़ी हो गई। सिया जिया भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। करण बच्चों को देखकर उनके लेवल में झुकते हुए बोला, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ प्लीज? सिया और जिया कुछ कहते उससे पहले सोना ने कहा, सिया जिया चलो यहाँ से, तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट मिल्क बनाएंगी। हॉट चॉकलेट मिल्क का नाम सुनकर सिया जिया एक्साइटेड हो गई। सोना करण को घूरते हुए वहां से सिया और जिया को ले गई। उनके जाने के बाद करण उसे अपने सख्त चेहरे के साथ घूरने लगा। सोना किचन में आ गई। उसने सिया जिया को काउंटर पर बैठाया और उनके लिए हॉट चॉकलेट मिल्क तैयार करने लगी। शाम हो रही थी इसलिए उसने डिनर बनाने का फैसला किया। वो अभी डिनर तैयार कर ही रही थी कि रिहान किचन में सोना के पास आ गया। उसके हाथ में एक कैमरा था और सोना वेजिटेबल कट कर रही थी।
उसने सोना को देखकर कैमरा में उसे वेजिटेबल कट करते हुए उसे रिकॉर्ड करते हुए बोला, भाभी इधर देखिए, ये मेरा नया कैमरा है, से हाय। सोना ने मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने हाथ हिलाकर हाय कहा। सिया और जिया ये देखकर एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ मामू, ये कितना कूल लग रहा है, हमें भी हाय कहना है। रिहान ने ये सुनकर हंसते हुए कैमरा उनकी तरफ घुमा लिया और उन्हें रिकॉर्ड करने लगा। वो बोला, ऑफ कोर्स मेरी प्यारी भांजियों, ये तुम्हारे लिए ही तो है, से हेलो। सिया और जिया कैमरे के सामने मस्ती करने लगी। सोना उनकी क्यूट हरकतों पर हंसते हुए डिनर बनाने लगी। तभी एक मेड उसके पास आकर उसकी तरफ एक बैग बढ़ाते हुए बोली, मैम ये आपके लिए सर ने भेजा है, सर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आप इसे पहनकर रेडी हो जाइए, सर कुछ देर में आपको पिक करेंगे। सोना ने ये सुना और उसे याद आया आंच ने सुबह क्या कहा था। तभी रेहान ने सोना की तरफ कैमरा घुमाया और उसे फिर से रिकॉर्ड करते हुए बोला, वाओ भाभी, हाउ रोमांटिक, भाई आपको डेट पर ले जा रहे हैं, नॉट बैड। सोना ने ये सुना और वो शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए और वो इधर उधर देखने लगी। रेहान उसे ऐसे शर्माते देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, आपका शर्माना, अगर भाई यहाँ होते तो मजा ही आ जाता, आपका चेहरा शर्माते हुए कितना लाल हो जाता है, लेट मी रिकॉर्ड दिस ब्यूटीफुल सीन। और वो उसे रिकॉर्ड करने लगा। सोना उसके कैमरे पर हाथ रखते हुए बोली, स्टॉप इट रेहान, इसे बंद करो। रेहान हंसते हुए बोला, नो भाभी, आप शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही हैं, भाई को मैं ये जरूर दिखाऊंगा। सोना ने उसे पपी फेस बनाकर देखा। रेहान ने उसे ऐसे देखा तो कैमरा नीचे कर लिया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा, आप जल्दी से मेरे लिए एक प्यारा सा भतीजा लाकर दोगी। सोना ने उसके हाथ पर मारा और अपने ब्लश को छुपाने लगी। सिया और जिया ने कहा, मामू क्या मामी छोटा बेबी लाने वाली है। रेहान ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम दोनों से भी छोटा बेबी, फिर हम साथ में उसके साथ खेलेंगे। सोना ने ये सुना और उसे लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, ये बच्चे भी ना। तभी सिद्धि उनके पास आते हुए बोली, क्या चल रहा है यहाँ, किस बात पर इतना खुश हुआ जा रहा है। और उसने सिया जिया को देखा जो फिर से हॉट चॉकलेट मिल्क एंजॉय कर रही थी। रेहान ने सोना को देखा और सिद्धि के पास आकर उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोला, दी कैन यू बिलीव, भाई भाभी को डेट पर ले जा रहे हैं, ये कितना रोमांटिक है ना। सिद्धि ने सोना को देखा और रिहान के पेट पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा, रिहान। रिहान ने अपने पेट को पकड़ लिया और नाटक करते हुए कहा, आउच दी, लगी मुझे। सिद्धि अपने लिए कॉफी बनाते हुए बोली, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा उसे तुम्हारी बातों से ऑकवर्ड फील हो रहा है। रिहान ने सोना को देखा जो अपने लाल गाल के साथ सूप बना रही थी। उसने कहा, भाभी अब आपको तैयार होना चाहिए, भाई को इंतजार करना पसंद नहीं है। सोना ने उसी तरह हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ ये सूप बस तैयार हो गया है, कुछ देर में हम तैयार हो जाएंगे। रेहान ने कहा, नो भाभी, ये सब मेट कर लेगी, आप जाओ तैयार हो जाओ वरना भाई गुस्सा हो जाएंगे। सोना ने कहा, लेकिन रेहान। रेहान ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। उसी वक्त सिद्धि अपनी कॉफी लेकर बाहर जाने को थी कि वो सोना से टकरा गई और उसके हाथ की गर्म कॉफी सोना के ऊपर गिर गई। आह! सोना को उसके पेट के पास तुरंत ही बहुत जलन होने लगी। सिद्धि ने परेशान होते हुए कहा, आई एम सॉरी सोना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, आई एम सो सो सॉरी। सोना अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं दी, गलती हमारी थी, हमने आपको नहीं देखा। रेहान ने भी परेशान होकर कहा, भाभी जाओ जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो ये ज्यादा जलेगा, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। सोना ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से कमरे में आ गई। जल्दी जल्दी में उसने कमरे का दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ दिया। वो सीधा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। शावर लेने के बाद उसकी जलन अब थोड़ी कम हो गई थी। उसने देखा अंश का भेजा बैग और ऑइंटमेंट के साथ रेहान ने अपना कैमरा भी टेबल पर रखा था। वो बैग लेकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद सोना एक ब्लैक नेट की डिजाइनर साड़ी पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखने लगी। उसने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां और माथे पर लाल रंग की बिंदी लगा ली। वो इस काले रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी उसे अपने पेट पर फिर से जलन महसूस हुई।
वो जल्दी से अपनी साड़ी कमर के पास से हटाकर अपने पेट को देखने लगी, जहाँ पर कॉफी से जलने की वजह से गुलाबी निशान और हल्के छाले बन गए थे। उसने गहरी सांस ली, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे ऑइंटमेंट पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और वो उसे अपनी जली स्किन पर अप्लाई करने लगी। उसे ऑइंटमेंट लगाने के साथ ही जलन से राहत मिली। सोना अपनी नजरें नीची करके सॉफ्टली अपनी उंगलियों से उस जगह पर ऑइंटमेंट लगा रही थी और किसी की एक जोड़ी आंखें बहुत ध्यान से उसे ये करते हुए देख रही थी। सोना के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जिससे उसके कपड़े थोड़े गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए थे। उसके कुछ गीले बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। मिरर में सोना का पेट और उसकी दूध जैसी सफेद कमर साफ दिखाई दे रही थी। वो आंखें सोना के चेहरे पर आ रहे अलग अलग एक्सप्रेशन को देख रही थी। सोना के चेहरे पर कभी दर्द के, कभी राहत के और कभी रोने जैसे एक्सप्रेशन आ रहे थे, जो कि काफी। अंश घर आ रहा था तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पिक किया तो सामने से क्रिश ने कहा, सर सारी अरेंजमेंट हो गई है। अंश ने कहा, ओके। उसने फोन काटा और अपनी भारी आवाज में कहा, बीवी आज तुम्हें ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हवेली में सोना की आवाज सुनकर सम्राट इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे सोना की आवाज सुनकर होश आया हो। उसे अपनी ही हरकत पर हैरानी हुई। सम्राट अपनी बिजनेस मीटिंग से घर आ गया था। वो थोड़ा नशे में था, जिससे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो कॉरिडोर से अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन अंश के कमरे के हल्के खुले दरवाजे में उसे सोना मिरर के सामने खड़ी दिखाई दी और वो दरवाजे के सामने रुक गया। वो सोना को मिरर में साफ देख सकता था। वो दरवाजे से टिक कर ना जाने कब तक सोना को देखता रहा। उसे पता नहीं चला कब उसके पैर दरवाजे से कमरे के अंदर आ गए। क्या वो सोना की खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला वो कब उसकी तरफ बढ़ने लगा। सम्राट अपनी हैरानी को छुपाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, क्या इत्तेफाक की बात है, मैं तो तुमसे मिलना चाह रहा था और तुम मुझे दिख गई। अब तुम्हें देख ही लिया है तो सोचा हेलो कह दूं। हेलो मिसेस रायजादा, सम्राट ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहा। सोना ये सुनकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसे सम्राट से शराब की स्मेल आ रही थी। वैसे एक बात कहूं, तुम्हें दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। भगवान का शुक्र करो कि आज मैं आ गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो पक्का तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती। यू नो ना, जमाना बहुत खराब है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। सोना ने उसे गुस्से से घूर के देखा। सम्राट सोना के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए फिर से बोला, भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुम्हें, ऊपर से नीचे तक सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तुम्हें इस तरह देखकर आज समझ में आया कि अंश और करण तुम्हारे लिए पागल है। कहते हुए सम्राट की आंखें सोना को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। सोना को सम्राट की नजरें अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो सम्राट को घूरते हुए बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी घटिया और बेहुदा बातें सुनने का। सम्राट अपनी आंखों में बेचारों वाला भाव लाते हुए बोला, ओहो मिसेज रायजादा, आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और आप है कि नाराज हो रही हैं। कहते हुए सम्राट ने सोना के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो अपनी आंखों में अजीब से भाव के साथ बोला, सच में तुम इतनी खूबसूरत हो कि मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी अंश से। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सम्राट को अपने गाल पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसका सर एक तरफ झुक गया और वो अपने गाल पर हाथ रखकर सोना को गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि सोना ने अभी अभी उसे खींचकर उसकी बदतमीजी के लिए उसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सम्राट के होंठ के किनारे से खून आने लगा। सम्राट को जब रियलाइज हुआ कि उसने सोना से किस तरह बात की, उसे अपने शब्दों पर एक पल के लिए हैरानी हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके गलत बिहेवियर के लिए सोना ने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन वो नशे में था इसलिए उसने इस ख्याल को झटक दिया कि वो गलत था। वो सोना को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़। वो इतना ही बोल पाया था कि उसके दूसरे गाल पर भी जोरदार थप्पड़ आकर लगा।
अब सम्राट को जैसे होश आया हो, उसका नशा एक पल में ही उतर गया। सोना गुस्से से बोली, तुम अपनी हद में रहो सम्राट, भूलो मत हम सोना अंश राय ज्यादा है, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी, तुम्हें शर्म नहीं आती हमसे इस तरह की बात करते हुए? हम भले ही तुम्हारी करतूतों के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लिमिट भूल जाओ। कहते हुए सोना का गला रुंध गया और उसकी आंखें आंसू से भर गई, लेकिन वो बिना पलक झपकाए सम्राट की आंखों में देख रही थी। सोना ने आगे कहा, हम अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अभी अंश को तुम्हारे बारे में सब बता देंगे, उसके बाद वो हमारे साथ कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तंग आ गए हैं तुम्हारी रोज रोज की धमकी से। सम्राट ने ये सुना और उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। सोना ने उसे गुस्से से घूरा और बाहर की तरफ जाने लगी तो सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना ने तेज आवाज में कहा, सम्राट। सम्राट ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई हाँ? सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे सम्राट से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सम्राट सोना के एकदम करीब खड़ा था। सम्राट ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है सम्राट रायजादा किसी से डरता है? अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे भाई को इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ, समझी तुम? इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। सम्राट के उसके मुंह पर हाथ रखने से सोना को घुटन हो रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सम्राट को धक्का दे रही थी, लेकिन सम्राट एक इंच भी नहीं हिल रहा था। सोना की आंखों से अब आंसू की बूंदें टपक कर उसके गाल पर फिसलने लगी। सोना की आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर डर से कांप रहा था। सम्राट ने उसे छटपटाता देखकर उसकी कमर को और कसके पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी सम्राट रायजादा के ऊपर हाथ उठाकर, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर? अब तुम इंतजार करो उस दिन का जब मैं तुम्हारे इस घमंड को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा कि तुम जिस पति के दम पर इतना उछल रही हो वो भी तुमसे नफरत करेगा। उसने सोना को दूर धक्का दे दिया। सोना दो कदम पीछे हट गई। सम्राट ने गुस्से से उसे देखा और वहां से जाने लगा। तभी सोना की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने अपने कदम रोक लिए। सोना ने कहा, कितने घटिया हो तुम सम्राट रायजादा, हमने आज से पहले कभी तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। सोना उसके सामने आकर खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सम्राट, हमें अब तक लग रहा था तुम इसलिए अंश को बर्बाद होते देखना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हारे प्यार की जान ले ली, और हम भी कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि अंश ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर तुम इसी के लायक हो। तुम अंश से जेलस हो कि वो तुमसे छोटा होकर भी तुमसे कितना आगे है, और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तो तुम उसे नीचे गिराने के लिए इतनी घटिया चालों का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम सच में खुद को अंश से बेहतर समझते हो तो सीधा उससे लड़ाई करते, इस तरह उसके पीठ पीछे चाले नहीं चलते। तुमने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया, हमारा इस्तेमाल किया, कितने कायर हो तुम। हमें तुम पर तरस आता था कि कैसे तुमने अंश की वजह से अपने बच्चे और अपने प्यार को खो दिया, लेकिन अब हमें तुमसे घिन आ रही है। अच्छा हुआ वो लड़की इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई जिससे तुम प्यार करते थे, नहीं तो उसे भी आज तुम्हारी घटिया सोच से घिन आ रही होती। ये सुनने के बाद सम्राट के हाथ मुट्ठी में बंध गए, उसका जबड़ा कस गया। सोना ये कैसे बोल सकती थी, वो जानती ही क्या है उस लड़की और सम्राट के बारे में, वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। सोना की बातों ने उसे वास्तविकता में ला दिया था, लेकिन सम्राट ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो अंश से किसी भी तरह कम है। उसने सोना को गुस्से से देखा जो उसे अपनी नीली आंखों में बेहिसाब नफरत के साथ देख रही थी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उसके बगल से होकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने दरवाजा बंद किया और कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अब तक जो आंसू अपनी आंखों में रोक रखे थे वो बहने लगे। वो रोते हुए दरवाजे से टिक कर बैठ गई। उसके सर में तेज दर्द होने लगा। इधर अंश घर आ गया था। उसके हाथ में उसका ब्लैक कोट था और वो फोन में देखते हुए सीढ़ी से ऊपर जा रहा था। उसने आखिरी सीढ़ी चढ़ी थी कि उसकी नजर उसके कमरे से बाहर आते सम्राट के ऊपर पड़ी और वो अपनी जगह पर रुक गया। सम्राट भी कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। उससे 5 कदम की दूरी पर ही उसे कोई अपनी तरफ आता दिखाई दिया। सम्राट और अंश एक दूसरे के सामने खड़े थे। अंश अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला,
तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अंश तो पहले से ही सम्राट से चिढ़ता था और अब जब उसने उसे अपने कमरे से बाहर आते देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सम्राट को जो सोना के सुनाए जाने से पहले से ही फ्रस्ट्रेट था, वो अंश का सवाल सुनकर उसके पास आते हुए बोला, तुम अपनी बीवी से ये सवाल क्यों नहीं करते अंश? उसने अपने पति के भाई को पीठ पीछे अपने कमरे में क्यों बुलाया था? उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसके गले को पकड़कर दीवार से लगा दिया। सम्राट ने जो कहा था वो सुनने में ही कितना अजीब लग रहा था, और ये बात तो सोना के लिए थी, अंश कैसे गुस्सा ना करता। अंश अपनी पकड़ उसके गले पर कसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की? सम्राट की सांसें उसके गले में अटक रही थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए अंश के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगा। एक मेड ने ये देखा और जल्दी से शिवा को बुलाने के लिए भागी। अंश ने सम्राट का गला छोड़ दिया और दीवार पर टंगी तलवार को उसके मयान से खींचकर बाहर निकाला। अभी सम्राट संभल नहीं पाया था कि अंश ने तलवार को उसकी गर्दन पर रखा। सम्राट अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा। अंश ने उसके गले पर तलवार का दबाव बनाते हुए कहा, जुबान संभाल कर सम्राट, तुम्हें अपने सामने देख कर मैंने खुद को कैसे रोक रखा है ये सिर्फ मुझे पता है। अगर हम इस वक्त हवेली में नहीं होते तो कब का मैं तुम्हारी जान ले लेता। अगली बार मेरी बीवी का जिक्र तक तुम्हारी जुबान पर आया ना सम्राट तो। अंश बोल ही रहा था कि सम्राट ने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या कर लोगे हा? एक बीवी तो तुमसे संभाली नहीं जाती, बात करते हो मेरी जान लेने की, हिम्मत है तो मेरी जान लेकर दिखाओ। सम्राट ने ये कहा ही था कि अंश ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार की नोक को सम्राट के सीने में रखकर उसे धसाने लगा। सम्राट अंश के ऐसे करने से पीछे हटने लगा जिससे वो फिर से दीवार से टिक गया। अंश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक और लफ्ज तुमने उसके बारे में कहा तो आई स्वयं मैं ये नहीं देखूंगा तुम कहां खड़े हो। ये कहने के बाद वो सम्राट की आंखों में देखते हुए तलवार की नोक सम्राट के सीने पर गड़ाने लगा। क्या अंश लेने वाला है सम्राट की जान? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश की आंखें इस वक्त पूरी नफरत से सम्राट को घूर रही थी। तलवार की धार इतनी तेज थी कि एक सेकंड में वो सम्राट की स्किन को चीरते हुए उसके अंदर घुस गई। सम्राट की सफेद शर्ट जल्द ही लाल खून से रंग गई। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बिना डरे अंश की आंखों में देख रहा था। अंश अपनी खतरनाक आवाज में बोला, मेरी सोना से दूर रहना नहीं तो ये तलवार अगली बार तुम्हारी गर्दन पर होगी और तुम्हारा सर मेरे पैरों में। ये कहने के बाद उसने तलवार को साइड में फेंका और जाने लगा। तो सम्राट ने अपने दर्द को अनदेखा करके बगल की टेबल पर रखे फूलदान को पकड़कर अंश के ऊपर फेंका, पर अंश सही समय पर नीचे झुक गया और वो फूलदान सीधा दीवार से टकरा गया। सोना जो कमरे में दरवाजे से लग कर बैठी थी वो इस आवाज को सुनकर खुद से बोली, ये कैसी आवाज है, बाहर क्या हो रहा है? और वो कमरे से बाहर आ गई। अंश ने सम्राट को घूर के देखा। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे। फिर अचानक से अंश ने आकर सम्राट के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। उसने कहा, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। सम्राट पीछे की तरफ झुका। वो अपनी ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था? पहले उसे उसकी बीवी ने मारा और अब अंश ने उसके ऊपर हाथ उठाया। उसने गुस्से से अंश को देखा और उसने भी अंश के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। अंश के होठों के किनारे से खून आने लगा। सोना तब तक बाहर आ चुकी थी और उन दोनों को ऐसे देखकर वो काफी घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके पास जाकर उन्हें रोक सके। वो अंश और सम्राट को पहली बार आमने सामने इस तरह देख रही थी। सम्राट ने दूसरी बार उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसकी नजर अंश के पीछे से आ रहे शिवा और नीलिमा पर पड़ी और वो रुक गया। लेकिन अंश ने उन्हें नहीं देखा और सम्राट के पेट पर जोरदार लात मार दी। सम्राट पीछे जा गिरा। अंश उसके पास आया और उसके ऊपर लात घूसों की बरसात कर दी। अंश का गुस्सा अब इतना बढ़ चुका था कि वो भूल गया था वो क्या कर रहा है। इससे पहले कि अंश सम्राट को और मार पाता, उसे शिवा ने कंधे से पकड़कर दूर झटक दिया। अंश ने ये नहीं देखा कि किसने उसे पीछे खींचा
और उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन शिवा को अपने सामने देखकर वो रुक गया। ये देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई और शिवा अंश को गुस्से से घूर रहा था। अंश की आंखें एकदम लाल थी, उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। शिवा गुस्से से बोले, रुक क्यों गए, मारो मुझे भी। कहते हुए शिवा ने अंश को धक्का दिया। सोना ये देखकर परेशान हो गई। शिवा ने सम्राट को उठाया और फिक्र करते हुए पूछा, सम्राट तुम ठीक हो? सम्राट ने हाँ में सर हिलाया, अब तक उसे काफी चोट आई थी। शिवा गुस्से से अंश की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए तेज आवाज में बोले, ये क्या पागलपन है अंश, क्या तुम सम्राट की जान लेना चाहते थे? पर अंश को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, वो बहुत गुस्से से सम्राट को ही घूर रहा था। सम्राट ने ये देखा और अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, आह ये क्या बताएगा डैड, मैं बताता हूँ, ये पागल हो गया है, इसने बिना किसी रीजन के मुझ पर तलवार से वार किया। मैं तो बस कमरे में जा रहा था, उसने मुझे रोका और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। इतना कहकर सम्राट अंश को देखने लगा। अंश ने ये सुनकर शिवा को देखा और अपनी सफाई देते हुए उसने कहा, ये झूठ बोल रहा है डैड, पहले इसने सो। वो कहने वाला था कि सम्राट सोना के बारे में बकवास कर रहा था, लेकिन वो रुक गया। उसने सम्राट को देखा जिसके होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। सोना अंश के पास आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सम्राट सामने आते हुए बोला, हाँ मैंने क्या किया अंश, बोलो, तुम चुप क्यों हो गए, मैंने क्या किया? अंश ये सुनकर एक बार फिर सम्राट की तरफ बढ़ गया और उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था कि उसके गाल पर एक थप्पड़ आकर लगा। अंश अपने सामने गुस्से से खड़ी नीलिमा को देखने लगा। नीलिमा अंश के मुंह पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो अंश, और क्या करना बाकी रह गया है तुम्हारा, क्या अब तू इसकी जान लेकर मानेगा? कई बार तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब करने से मना किया, फिर भी तू सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से बिना किसी वजह से तुमने सम्राट के ऊपर हाथ उठा दिया, बोलो क्यों? अंश ने ये सुना और उसने सोना को एक नजर देखा, जो उसे ही अपनी आंसू से भरी आंखों से देख रही थी। वो अपनी बांह सोना के हाथ से छुड़ाकर बिना कुछ कहे नीचे चला गया। उसके पास वजह थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे सोना के ऊपर बात आ जाती। वो उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था। सोना उसे जाते देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंश किस बात पर इतना गुस्सा हो गया कि उसने सम्राट को इस तरह चोट पहुंचाई। सिद्धि ने सोना को अंश के पीछे जाने का इशारा किया। सोना जल्दी से अंश के पीछे चली गई। नीलिमा सम्राट के पास आई और उसकी चोट को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो सम्राट? सम्राट ये सुनकर गुस्से से अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद शिवा नीलिमा से बोले, नीलिमा आज तो अंश ने सारी हदें पार ही कर दी है। अच्छा हुआ बाबा यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम्हें अच्छे से पता है वो अंश से क्या कहते। समझाओ अपने बेटे को, आइंदा से उसने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद शिवा गुस्से में वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नीलिमा उदास हो गई। सिद्धि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मॉम आप शांत हो जाइए, चलिए मेरे साथ, और वो उसे कमरे में ले गई। इधर अंश गुस्से से हवेली के दरवाजे को जोर से लात मारते हुए हवेली से बाहर निकल गया। सोना उसके पीछे आई। उसने देखा अंश अपनी कार की तरफ बढ़ रहा है। सोना जल्दी से भागकर उसके पास आ गई। अंश कार में बैठ गया। वो कार को स्टार्ट करता उससे पहले सोना ने अपना हाथ आगे कर दिया और हांफते हुए बोली, मिस्टर रायजादा आपके हाथ पर चोट लगी है। अंश ने ये सुना और अपने हाथ को देखने लगा। एक ये ही थी जिसने अब तक उसके चोट को नोटिस किया था। उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ बना ली और एक्सीलेटर पर पैर रखा। सोना ने ये देखा और जल्दी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। अंश ने सीधा देखा और फुल स्पीड से कार हवेली से बाहर ले गया। सोना ने कसकर सीट बेल्ट को पकड़ लिया क्योंकि उसे पता था अंश अब रुकने वाला नहीं था। अंश इतनी तेज स्पीड से कार चला रहा था कि सोना को चक्कर आने लगे थे, पर अंश उसकी सेफ्टी की परवाह किए बिना कार चला रहा था। लगभग एक घंटे बाद कार टायर घसीटने की आवाज से एक जगह पर रुकी। सोना ने ये देखा और वो कार से बाहर निकल गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और वॉमिट करने लगी। कुछ देर बाद जब वो शांत हो गई तब उसने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और अपना चेहरा साफ किया।
ये देखकर अंश भी बाहर आया। उसने इतनी जोर से कार का गेट बंद किया कि सोना चौंक गई। रात होने की वजह से वहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उस शांत जगह पर पानी की आवाज आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो दोनों इस वक्त एक लकड़ी पुल के ऊपर थे। उसके साथ ही मेंढक और झिंगुरों की आवाज आ रही थी। ठंड का मौसम था, इसलिए रीढ़ की हड्डी को कपाने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में अंश गुस्से से सोना को घूर रहा था, जो उसे ही देख रही थी। उसने सोना के कंधे को पकड़ा और उसे जोर से हिलाते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए? सोना हकलाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, हमारी बात सुनिए, आप बहुत गुस्से में हैं। अंश उसे अपने करीब करते हुए बोला, ओ रियली बीवी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं गुस्से में हूँ। थैंक यू ये बताने के लिए कि मुझे चोट लगी है, लेकिन मुझे तुम्हारे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद उसने सोना को दूर धक्का दिया। सोना हैरानी से अंश को देखने लगी। अंश अपनी पीठ सोना की तरफ करके अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ा अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बाल में हाथ फेरा और कार के बोनट पर मुक्का मारा। सोना धीरे से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आप शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा क्यों? वो कह ही रही थी कि अंश पीछे मुड़ा और फिर से उसके कंधे को कस के पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तुम सच में ये जानना चाहती हो तो सुनो, ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा हूँ, समझी तुम? सोना उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने अंश को किस तरह गुस्सा दिलाया। वो हैरानी से बोली, हमने क्या किया, आप क्यों हमें दोष? सोना ने कहा ही था कि अंश उसकी बात बीच में काटते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप, जस्ट शट अप, अब एक शब्द और नहीं, इतना सब करने के बाद पूछती हो क्या गलत किया? ये कहने के बाद अंश सोना को देखने लगा, जो अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। अंश ने उसके कंधों को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि सोना को अपने कंधे में दर्द महसूस हो रहा था। अंश ने उसे पीछे झटका और कहा, तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए, चली जाओ यहाँ से। सोना ये सुनकर सुबकते हुए अंश को देखने लगी। अंश ने उसे खुद को घूरते देखा तो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अंश की बात सुनकर सोना बोली, क्या आपने कब से तुम्हारी वजह से लगाकर रखा है? हमने नहीं कहा आपको अपने भाई के ऊपर हाथ उठाने के लिए, इसलिए आप हमें दोष देना बंद करें, मतलब हद है, लड़ाई आप दोनों भाई करें और दोष हमें दे। अंश ये सुनकर हैरान हो गया। सोना उसे जवाब दे रही थी, उसने कहा, बीवी तुम? उसकी बात पूरी होने से पहले सोना उसको धक्का देते हुए बोली, हम क्या, हाँ, हमने नहीं कहा था आपको बेवजह का गुस्सा करने के लिए, अरे हमें तो कुछ पता भी नहीं है आप गुस्सा क्यों है, और आप है कि हमें ही बोल रहे हैं। अंश उसे गुस्से से घूर रहा था। सोना उसे बोलते हुए धक्का दे रही थी और वो पीछे हटता जा रहा था। सोना आगे बोली, हमने कहा आपको चोट लगी है, लेकिन आप हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं, अब इसमें भी कि हमारी ही गलती है? ये अच्छा है, जब गुस्सा करने के लिए कोई नहीं मिलता तो हम पर बेवजह गुस्सा करते हैं आप, जब देखो तब हमारे ऊपर चिल्लाते रहते हैं आप, एक तो पता नहीं आप हमें कहां लेकर आए हैं, और अब कह रहे हैं यहां से चली जाओ, कहां जाएंगे हम, जरा बताइए तो हम इतनी रात में कहां? सोना ने इतना कहा ही था कि अंश ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर उन्हें मरोड़ते हुए उसकी कमर से लगाकर गुस्से से कहा, चुप हो जाओ। अंश को सोना की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, अब अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें इस पुल से नीचे फेंक दूंगा। अंश के उसकी कलाई को मरोड़ने से सोना को दर्द होने लगा था। उसने दर्द में कहा, मिस्टर रायजादा, दर्द हो रहा है हमें, छोड़िए। वो अंश को देखने लगी। अंश उसकी आंखों में गुस्से से देख रहा था, जिसे देखकर वो सहम गई। अंश ने कहा, तुम खुद को समझती क्या हो, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकती हो? क्या अंश फिर से सोना को चोट पहुंचाएगा? कैसे बच पाएगी सोना अंश के गुस्से से? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।